आओ जी, देखते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा एक फ्रस्टम दिखाई दे रहा है, और फ्रस्टम बाल्टी के शेप में बकेट, उसका यहाँ वाला रेडियस ए है और यहाँ वाला रेडियस बी है। टेंथ क्लास में आपने मेंसुरेशन में कर रखा है सवाल इसके। यहाँ मैंने ओरिजिन कंसीडर करा हुआ है, ये अलोंग एक्स एक्सिस ये रहा आपका, ये वाई एक्सिस ओरिजिन। टोटल लेंथ एल है, एल के अलोंग करंट जा रहा है, तो हमें ये कह रहा है कि आप इसके अंदर ना रेसिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखा दो। रेडियस दोनों बता दिया, ये बी रहा और ये ए रहा। आइए सॉल्व करते हैं कैसे। इसको ओरिजिन से पहले चेक करते हैं रेसिस्टेंस की कहानी क्या होगी। यहाँ की ये देखो यूनिफॉर्म नहीं है, एरिया में कहो, वॉल्यूम में कहो, जैसे भी आप कहो, ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ का रेसिस्टेंस कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से एक्स लेंथ पे एक डिस्क ले लेंगे, जिस डिस्क की थिकनेस डी एक्स है, जिसका यहाँ से अगर ये रेडियस था, यहाँ रेडियस कुछ और है, यहाँ रेडियस कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ रेडियस वेराइज कर रहा, आर वेराइज है, तो आर रेडियस का एक डिस्क लिया जिसका थिकनेस डी एक्स है। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, इस थिकनेस पे इस डिस्क का पहले डी आर निकालना है, जैसे सभी सवालों में निकाला है। रेसिस्टिविटी रो दिया हुआ है, और उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेट कर देना है, यानी कि लेंथ इस टाइम अपना डी एक्स हो गया। इस छोटे से लेंथ में रेसिस्टेंस भी छोटा सा होगा, वो डी आर हो गया। इस डी आर की वजह से जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा रो एल, एल तो आपका ये डी एक्स रहा, अपॉन में एरिया। एरिया किसका, जिसका कैलकुलेट कर रहे हो, सबका मत सोचो, कैलकुलेट किसका कर रहे हो, डिस्क का। तो डिस्क का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों कह रहे हो, सिलेंडर वाले में आपने देखा है पिछले वीडियो में कि उसके अंदर कुछ हिस्से ऐसे होते थे जिनमें करंट नहीं जा रहा, यहाँ ये बात नहीं है, सभी में करंट जा रहा है, तो पूरा एरिया यही होगा ना, और ये सेंटर होगा, ये आर होगा, तो कितना लगेगा, पाई आर स्क्वायर, इसलिए ये वाला। अब सोचिए, अब ध्यान से सोचिए, इसमें एक वेरिएबल तो एक्स है, एक्स बदलता जा रहा है यहाँ से वहाँ तक, एक वेरिएबल आर है, वो आर 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 ये बदलता जा रहा है, आर भी बदल रहा है, एक्स भी बदल रहा है। तो ऐसे में अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो दो वेरिएबल पे इंटीग्रेट नहीं होता, सिंगल वेरिएबल पे इंटीग्रेट होता है, यानी कुछ करके इस एक्स में और इस आर में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड आर, ये एस्टेब्लिश करना है हमें। तो देखते हैं, देखो यहाँ से एक ट्रायंगल कट करेंगे, यहाँ से एक ट्रायंगल कट करेंगे ऐसे, देखो यहाँ से ये ट्रायंगल हमने कट किया ऐसे, जिसकी ये लेंथ हो गई L, क्योंकि फ्रस्टम का लेंथ ही L है। ये पूरा रेडियस B है, उसमें से इतना रेडियस A है ये वाला, तो ये वाला जो पार्ट बना ट्रायंगल का वो बना B माइनस A, यहाँ पे एंगल बना थीटा, मैं इसका नाम लिख देता हूँ पी क्यू आर। तो अब इसमें देखेंगे आप, टेन थीटा इक्वल टू निकालोगे परपेंडिकुलर माने अपोजिट अपॉन में बेस यानी L, इसका क्या फ़ायदा होगा वो अभी आपको दिखेगा। हमें क्या पता है,
मैथ में हमने 11th में पढ़ा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं इसे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब इसमें m जो है वो स्लोप है और स्लोप को हम tan थीटा कहते हैं, इसलिए मैंने ये tan थीटा कैलकुलेट किया था, इसलिए मैंने ये tan थीटा कैलकुलेट करा था, जो अब ये वैल्यू m का हो गया। अब रह गया अपने को y कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट करना और c कैलकुलेट करना है। तो गौर से देखिए, ग्राफ पेपर पे पहले मैं दिखाता हूँ, मैं इस फिगर को हटा देता हूँ। देखो ग्राफ पेपर पे जब ये पॉइंट लेते हैं, मान लो ये S पॉइंट है, तो S पॉइंट में ये Y होता और ये X होता है, इसकी वैल्यू X और Y लिखते हो। आज के डेट में यही S पॉइंट है, हम इसको S ले रहे हैं, तो ग्राफ पेपर से इसकी क्या वैल्यू वहाँ आएगी, ये वाला X और ये वाला Y, तो ये Y कौन है, R, ठीक। तो अब आप इसको देखो, इसके लिए y क्या आ गया, y क्या आ गया, y क्या आ गया, y क्या आ गया, r, तो y की जगह क्या डालोगे, r। m क्या आया, m की जगह आया b माइनस a बाई l। x क्या आया, x तो x ही है, x लेंथ पे ले रहे हो। बाकी बचा कौन, c, c को क्या बोला करते थे, c को बोला करते थे हम y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे जो पीस होता था। तो y एक्सिस पे क्या पीस है, ये देखिए y एक्सिस रहा ये और ये पीस है a, इसलिए मैं इस y इंटरसेप्ट को क्या लिख दूंगा, a। अब आपको r भी मिल गया, x भी मिल गया और a भी मिल गया। अब आप इसे क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए, कर दें, और डिफ्रेंशिएट में आपको दिख रहा है dx है, तो x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, डी आर वाई डी एक्स। ये कॉन्स्टेंट टर्म है, लेंथ नहीं बदलेगा, ये दोनों रेडियस नहीं बदलेगा, अपनी लोकेशन पे ये और ये, इधर की रेडियस बदल रही है, इधर की वैल्यू a और b नहीं है जहाँ बदल रहा है, यहाँ फिक्स है और यहाँ फिक्स है, तो अपने लोकेशन पे ये फिक्स है, इसलिए b माइनस a बाई l बाहर हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, और ये ए रियल नंबर होगा तो उसका भी यहाँ लिख लिया। ये हो गया आपका डी आर वाई डी एक्स, और ये हो गया बी माइनस ए बाई एल, ये तो वन हो गया, और रियल नंबर का डिफरेंशिएशन मैथ में पढ़ाई होता है, रियल का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, तो ये वाला टर्म आपका ज़ीरो, तो जीरो हो गया, तो समाप्त कर देंगे। अब आपके पास क्या आया, कि अब आपके पास आया डी आर इक्वल टू वी माइनस ए एल डी एक्स। देखो दोनों में रिलेशन आ गया, मुझे किसका रिलेशन चाहिए, डी एक्स चाहिए, क्योंकि नीचे क्या है आर, तो मैं डी एक्स निकाल लेता हूँ। तो देखो एल से डिवाइड है तो एल से मल्टीप्लाई होगा, और बी ए से मल्टीप्लाई था तो बी ए से डिवाइड होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। तो आपका ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो डी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वहाँ से वैल्यू लिखो, रो डी एक्स की जगह ये सारा वैल्यू लिखो, एल बाई बी माइनस ए इंटू डी आर अपॉन में, उधर क्या है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो इधर लिख लो, पाई इधर लिख लो, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है जीरो से आर रेसिस्टेंस के लिए, इधर भी इंटीग्रेट करना है। अब ये रेडियस देखो कहाँ से कहाँ तक, इस रेडियस से उस रेडियस तक, ये रेडियस कौन ए, ये रेडियस कौन बी, तो ए से लेकर बी तक का लिमिट चलेगा अपना। अब इसकी डिफरेंशिएशन मैंने लगभग हर सवालों में दिखाया है, मैं फिर दिखा रहा हूँ,
आर स्क्वायर को ऊपर लिखूंगा, आर की माइनस टू डी आर, तो ये हो जाएगा आर की माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा आर की माइनस वन, तो ये हो जाएगा, ये वाला माइनस वन रखो और ये वाला माइनस जो है वो वन बाय आर कर देगा, तो माइनस वन बाय आर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा रो एल पाई बी माइनस ए इनटू में वन बाय आर, लिमिट आया ए से बी तक। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको, अब मैं इसे और लिखूँगा, तो मैं इसे लिखूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ठीक, तो मैं इसको अब लिख सकता हूँ, पहले कहाँ लिखूँ, इसी फिगर को हटा देता हूँ, इसी फिगर को हटा देता हूँ, ये रफ वर्क था, यहाँ लिखता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ लिखूँगा डी आर का तो आर आएगा, अरे भाई इस डी आर का आर आएगा ना, और ये सब बाहर लिख लूँगा, रो एल पाई बी माइनस ए, ये वैल्यू डालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आर इक्वल टू हो जाएगा रो एल पाई बी माइनस ए, एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ एक माइनस इसमें छुटा हुआ है इंटीग्रेशन में, तो ये भाई इंटीग्रेशन करा था ना आर की माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, तो आर की माइनस वन आया था ना, तो क्या लिखा था माइनस वन वन बाय आर, तो मैंने वन बाय आर लिख लिया माइनस छोड़ दिया, तो ये माइनस लिखो ना, माइनस लिखोगे तो माइनस बाय बी और फॉर्मूले का माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा वन बाई ए माइनस वन बाई बी, लास्ट में आके खिच पिच नहीं करने का, पाई बी माइनस ए, ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी, तो ये और ये वैल्यू कैंसल, आर इक्वल टू रो एल पाई और इनटू में आ गया ए बी। अब मैंने आपको एक थियोरिटिकल डेरिवेशन में दिखाया, अब फर्स्ट टर्म के जो भी सवाल आएंगे रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए उसमें आप ये वैल्यू डाल देंगे जो वैल्यू देगा और आप सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीरीज और पैरेलल के और फिर सवाल लाएंगे और रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन पैरेलल, और फिर रेसिस्टेंस के ऊपर सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री और पैरेलल सिमेट्री के ऊपर सवाल लेकर आएंगे। मिलते हैं, तब तक गुड बाय।